हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित एंड आई मेक एप्स। तो दोस्तों, मित्रों एप्लीकेशन जो अभी तक इतनी ज़्यादा सुर्खियों में थी, इतने ज़्यादा मतलब हर न्यूज़ में, ब्लॉग्स में, आर्टिकल्स में उसके मतलब नाम थे, चर्चा हो रही थी, और अचानक से वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से रिमूव कर दी गई, सस्पेंड हो गई एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि वो एप्लीकेशन क्यों सस्पेंड हुई, क्या रीजन थे जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन सस्पेंड हुई। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो लास्ट तक वीडियो जरूर से देखिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला कारण जो था उसका सस्पेंड होने का, वो था स्पैम एंड मिनिमम फंक्शनैलिटी। ये गूगल की पॉलिसी है, जब भी आप प्ले स्टोर पर कोई भी एप्लीकेशन डालते हो, देन आप क्या करते हो, पहले गूगल की पॉलिसीज को एक्सेप्ट करते हो कि हम एग्री करते हैं, जो भी उनकी पॉलिसी है हम उसको एग्री करते हैं। ओके, तो उस एप्लीकेशन में क्या हुआ था, स्पैम एंड मिनिमम फंक्शनैलिटी का जो एक पॉलिसी थी उसको वायलेशन हो गया था। उसमें क्या होता है कि एक्चुअल में उसमें दो तीन तीन चार मतलब पहलू रहते हैं, जिसमें एक पहलू था वो था कि कॉपी का। जैसे अब ये वाली एप्लीकेशन जो थी, मित्रो एप्लीकेशन, वो सेम टू सेम हूबहू टिकटॉक की कॉपी थी। इसमें कुछ यूनिक फीचर नहीं था, कुछ अलग नहीं था। ओके, डिजाइन भी टोटली कॉपी किया गया था, कॉन्सेप्ट भी टोटली कॉपी किया था, मतलब एकदम जुड़वा जुड़वा बोल सकते हो, जुड़वा भाई बन गया था इसका। तो इस वजह से गूगल क्या बोलता है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हो, देन इसमें कुछ तो अलग बात होनी चाहिए ना। अब वैसे भगवान ने इतने सारे लोगों को बनाया है, इतने सारे लोग हैं, सबके अंदर कुछ अलग अलग क्वालिटी है, चेहरा अलग है, डिजाइन अलग है, मतलब चेहरा नक्शा सबका अलग अलग है। तो जब भगवान इतने सारे लोगों को अच्छा बना सकता है, अलग अलग कर सकता है, देन आपको भी अगर कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डाल रहे हो तो कुछ ना कुछ अलग फीचर डालना चाहिए। ओके, तो इस वजह से उसमें क्या हुआ कि वो एकदम कॉपी कैट वाला सेम हो गया था, इस वजह से इसको रिमूव करना पड़ेगा। और दूसरा जो कारण था, मेन कारण जो दूसरा कारण था वो थी प्राइवेसी पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, देखो मित्रों के साथ क्या हुआ था, पहले ये एप्लीकेशन ना छोटी एप्लीकेशन थी, मतलब इसके ज़्यादा डाउनलोड वगैरह नहीं थे, लेकिन एक महीने में इतने ज़्यादा डाउनलोड हो गए, मतलब वो बंदा जिसने बनाया था, प्ले स्टोर पर डाला था, उसने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि इतने डाउनलोड कभी हो जाएंगे उसके। ओके, तो इस पीरियड में क्या हुआ, उसको संभलने का टाइम नहीं मिला। अगर यही अगर धीरे 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 डाउनलोड होते ना उसके, तकरीबन अगर एक साल में 5 मिलियन होता उसका, देन वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता अच्छे से, सब अपनी एप्लीकेशन को मॉडिफाई भी करवा लेता, अलग डिजाइन भी करवा लेता, एंड उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह सब चीज़ चेंज करवा लेता। ओके, लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी झटके से हो गई कि उस बंदे को संभालने का टाइम नहीं मिला, सोचने का टाइम नहीं मिला। ओके, तो प्राइवेसी पॉलिसी में क्या मिला था कि अगर आप देखो 50 मिलियन डाउनलोड्स हो गए, ओके 50 मिलियन नहीं 5 मिलियन, ओके 50 लाख डाउनलोड हो गए, तो ये चीज़ ना गूगल की नज़र में आ गई, तो उसने देखा कि प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। अगर आप किसी को अपनी एप्लीकेशन में साइन इन करवा रहे हो, ओके साइन इन करवा रहे हो, उसका ईमेल आईडी, पासवर्ड जो भी है, उसका नेम, ये सारी चीज़ें ले रहे हो, यूज़र आपके प्लेटफॉर्म पे कंटेंट डाल रहा है, ओके इसका मतलब कि आप कुछ डेटा है जो कि यूज़र से कलेक्ट करके अपने सर्वर पे डाल दो, तो उस डेटा की क्या प्राइवेसी है, आप उस डेटा का क्या यूज करने वाले हो, इन सब की पूरी रिपोर्ट रहनी चाहिए प्राइवेसी पॉलिसी में, जो कि नहीं था मित्र एप्लीकेशन में, नहीं था। और फिर उन्होंने लगता है शायद कोई प्राइवेसी पॉलिसी अपनी बनाई भी थी, इंटरनेट पर बहुत सारे टूल होते हैं फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, आमतौर पर वो काम कर जाते हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन इतनी बड़ी हो जाती है, इतने ज़्यादा यूजर हो जाते हैं, देन वहाँ पे वो चीज़ काम नहीं करती। तो उन्होंने कोई एक यूएसए का कोई मतलब प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करके लगता है डाल दिया था उसमें, लेकिन वो इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं था। ओके, अगर आपकी एप्लीकेशन में सारे इंडियन यूजर्स हैं, देन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी हो वो इंडियन लॉ के हिसाब से हो, ना कि यूएसए लॉ के हिसाब से। ये तो एकदम नॉर्मल सी कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आपके इंडियन यूजर्स हैं, देन आपकी प्राइवेसी पॉलिसी इंडियन लॉ के हिसाब से होनी चाहिए। ओके, यूएसए के हिसाब से रख के कोई मतलब ही नहीं है। तो उनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी थी वो यूएसए के हिसाब से थी, यूएसए कैलिफोर्निया इनके हिसाब से थी, ओके इंडियन लॉ के हिसाब से नहीं थी। तो इस वजह से इस एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया गया। तो अब आप क्या सीख सकते हो कि अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, यूजर से डेटा ले रहे हो, ओके यूजर से डेटा ले रहे हो, साइन इन वगैरह जो भी करवा रहे हो, तो आप क्या कीजिए, 1000-2000 रुपये खर्चा जाएगा फीवर वगैरह पे, कहीं भी जाके आपको कोई भी लॉयर को, मतलब जो भी प्राइवेसी पॉलिसी लिखते हो, ओके उनसे अच्छे से इंडियन लॉ के हिसाब से प्राइवेसी पॉलिसी लिखवा लीजिए। ओके, इंडियन लॉ के हिसाब से अगर आपकी एप्लीकेशन सिर्फ इंडियन के लिए है तो इंडियन लॉ के हिसाब से, अगर आपकी एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड है तो आप उनसे कंसल्ट करिए कि कैसी प्राइवेसी पॉलिसी रखनी चाहिए। ओके, आप उनको बता सकते हैं कि आप क्या क्या फीचर ले रहे हैं, क्या क्या डेटा ले रहे हैं यूजर से। ओके,
अगर आपको नहीं मालूम है कि क्या क्या डेटा ले रहे हैं, तो आप जिस डेवलपर से बनवा रहे हैं उससे आप पूछ लीजिए कि क्या क्या डेटा लिया जा रहा है यूजर से, ओके। देन आप उसके अकॉर्डिंग एक प्राइवेसी पॉलिसी बनवा लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ओके। एंड उसके साथ ही आप अगर कोई टिकटॉक जैसी भी एप्लीकेशन बनवा रहे हैं तो उसमें थोड़ा डिजाइन लेआउट चेंज करिए, उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड कीजिए, ओके, कुछ नया यूनिक कुछ वैल्यू ऐड करके उसको प्रेजेंट कीजिए, ओके। ऐसा नहीं कि कॉपी कट करके डाल दिया, ओके, कुछ नया वैल्यू कुछ अच्छा ऐड करके उसको प्रेजेंट कीजिए। तो ये दो बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए नया एप्लीकेशन बनाने के टाइम पे। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। गुड डे एंड टेक केयर।